नमस्कार दोस्तों, नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, ई नैच फैसिलिटी ये क्या है और जो नैच होता था पहले ECS और उसको बाद में चेंज करके नैच जो फॉर्म यहाँ पर आपको अवेलेबल करवाई जाती थी LIC के थ्रू, तो उसका एक नया विकल्प जिसको हम लोग ई नैच के नाम से भी जानने लगे हैं। तो ये असल में क्या है, इसका यूज क्या है और इसको हम लोग कैसे इसको अप्लाई करेंगे, ये सारा कुछ हम लोग इस वीडियो के अंदर जानेंगे। और इसके चलते क्या कुछ आपको एडवांटेज मिलेंगे और इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, ये भी हम लोग इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो वीडियो लास्ट तक देखिए, आपको पता चल जाएगा ई नैच असल में क्या है, इसके फ़ायदे और नुकसान क्या है। तो सर, ई नैच को रजिस्टर करने के लिए, यानी कि जब भी आप ई नैच फैसिलिटी के लिए जाएंगे, तो आपका जो पॉलिसी है LIC के अंदर जो आपकी पॉलिसी है, वो जब आप नैच मोड में, यानी कि सर मंथली नैच हो सकता है, क्वार्टरली नैच हो सकता है, ज़्यादातर केसेस में देखा यही जाता है कि लोग मंथली मोड में जो पॉलिसीज लेते हैं उन के लिए ही नैच का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। किसी किसी केसेस में ये भी देखा जाता है कि जो क्वार्टरली मोड के पॉलिसीज़ हैं उनके प्रीमियम डिडक्शन के लिए भी नैच यूज किया जाता था। तो उस केस में होता क्या था दोस्तों, पहले जब नैच फॉर्म आप फिलअप करते थे और उसमें अगर कोई ओवरराइटिंग हो जाती थी तो वो नैच फॉर्म जो है रिजेक्ट हो सकता था, सिग्नेचर मिसमैच होता था तो रिजेक्ट हो सकता था। तो ऐसे कई केसेस के चलते देखा यही जाता था। और एक चीज़ हो सकता है, आपने जिस पॉलिसी होल्डर के सिग्नेचर आपने फॉर्म में लिया है, वो हो सकता है उनके बैंक अकाउंट में उनका कोई KYC डॉक्यूमेंट्स ही ना हो, उसके चलते सिग्नेचर वेरिफिकेशन ही कंप्लीट ना हो, इसके चलते भी नैच फॉर्म जो होता था वो रिजेक्ट हो जाता था बैंक के थ्रू। तो सर, इस केस में क्या होगा, सर यहाँ पर जो आपका ऑथेंटिकेशन होगा, ई नैच का जो ऑथेंटिकेशन होगा वो ई साइन के थ्रू होगा। वो कैसे होगा ई साइन, वो ई साइन होगा सर आपका जो बैंक अकाउंट है उस अकाउंट के थ्रू, जो आपको ATM या डेबिट कार्ड जो भी आपको इशू किया गया है, या फिर अगर आपका बैंक अकाउंट के साथ आप नेट बैंकिंग भी यूज़ करते हैं, तो उसके चलते भी आप जो है अपने ई मैच का यहाँ पर ऑथेंटिकेशन को कंप्लीट कर पाएंगे। ऑटो डेबिट फैसिलिटी को आप डायरेक्टली खुद से ही यहाँ पर एक्टिवेट कर पाएंगे और यहाँ पर ये जो पूरा प्रोसेस है ये बहुत ही लो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। यहाँ पर आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और इसको करने के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए, जब आप पॉलिसी नैच मोड में करेंगे, आपके मोबाइल के थ्रू या ईमेल के थ्रू आपको एक लिंक भेजा जाएगा, जिस लिंक के ऊपर क्लिक करते ही आप LIC के वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे, जहां पर आपके पॉलिसी से रिलेटेड डिटेल्स, आपके प्रीमियम मोड, आपका नाम, ये सारा कुछ, बैंक अकाउंट, सारा कुछ यहां पर ऑटोफिल आएगा। अगर कोई गलती रहती है तो आप उसको करेक्ट भी कर पाएंगे वही जगह पर, और आपने जो यहाँ पर फिल किया उसको कंप्यूटर के थ्रू डायरेक्टली वही उस डिटेल्स को ही यहाँ पर LIC के सर्वर के ऊपर वो अपडेट हो जाएगा। और आपको वहाँ पर क्या करना होगा, जब वेरीफाई करने के लिए आपके ATM कार्ड के थ्रू या फिर आपके नेट बैंकिंग के थ्रू यहाँ पर आपको उसको वेरीफाई करना होगा। जैसे ही आप उसको वेरीफाई कर देंगे, आपका जो ऑटो डेबिट का जो सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, आपका नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड दोनों होना चाहिए। किसी किसी केसेस में ऐसा भी देखा जाएगा, या फिर आपके पास कम से कम इन दोनों में से एक टूल होना ही चाहिए, नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड, अदरवाइज आप ई नैच फैसिलिटी का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। बाकी एडवांटेजेस ही बहुत ज़्यादा है, डिसएडवांटेज की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है कि कस्टमर के
पास नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड दोनों में से कोई एक ज़रूर से होना चाहिए। तो ये अगर हो गया तो सर आप यहाँ पर खुद से ही ई नैच का जो यहाँ पर है एक्टिवेशन आप कर पाएंगे। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।